अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जो हमने सबक शुरू किया था, लेसन नंबर 6, पार्ट नंबर 6, उसके अंदर हम वहाँ तक बहस में पहुँच गए थे कि अल्लाह ताला का वजूद है इस इतनी बड़ी कायनात में, इतनी बड़ी जो अपनी कॉस्मोस है, कायनात है, इतनी बड़ी, इतनी अजीब, हैरत अंगेज अल्लाह ताला का वजूद है। और अल्लाह ताला हर किस्म की कुव्वतों और क्वालिटीज़ वाला है। अल्लाह के अंदर बहुत अच्छी सब पॉजिटिव क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हर चीज़ पे कादिर है, बहुत ज़्यादा इल्म वाला है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस वाला है, और बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक है, वाहिद है, एक ही है, अल्लाह ताला एक ही है। कि तो का वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इन्फिनिट बड़ा है, इन्फ्राइट है, इन्फिनिटी बड़ा है, इन्फ्राइट है। इन्फिनिट का मतलब एक ही रहता है, इन्फिनिटी एक ही रहती है, इसलिए मंतक से भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला एक है। अब अगर हम दुनिया में ये देखें कि उसके आगे जो हम इस्लामी तनाजुर में जो बात कर रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हम देखें कि अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया, तो वो बात अगर मंतक से, लॉजिक से आगे ये बढ़ती है कि अल्लाह ताला के पास जब इतनी रिसोर्सेस है, इतना वो कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, और उसके अंदर सब पॉजिटिव क्वालिटी है, कोई निगेटिव क्वालिटी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो फिर वो किसी ना किसी चीज़ को पैदा करेगा। जब इतनी सब अपने पास वसाइल होते हुए कुछ नहीं पैदा करना, ये एक निगेटिव क्वालिटी है। मतलब हर चीज़ है तुम्हारे पास और तुम कुछ नहीं कर रहे, ये एक कंजूसी है और एक निगेटिव क्वालिटी है। मगर जब तुम्हारे पास है तो वो नज़र आना भी चाहिए। तो जब अल्लाह के पास इतना है तो उसने पैदा किया सबको, पैदा करने के बाद, अब खाली पैदा करने के बाद एक ऐसा नहीं है कि पैदा कर दिया छोड़ दिया, कि तो कोई है नहीं अल्लाह के सिवा, सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह उसका जिम्मेदार भी है। क्यों? तो ये भी जिम्मेदारी भी एक पॉजिटिव क्वालिटी है, तो अल्लाह उसका जिम्मेदार, जब अल्लाह जिम्मेदार है तो उसकी देखभाल, उसकी रख रखाव वो भी सब अल्लाह करेगा। तो रख रखाव के लिए इंतजाम की भी जरूरत है, उनके अंदर जो अपनी मखलूक है उसके अंदर इंतजाम हो, उनकी बेहतरी और भलाई का इंतजाम हो, उनकी रहनुमाई का इंतजाम हो। तो ये सब बातें मंतक से निकली है, अपन ने देखे है मंतक से, कि अल्लाह ताला ने इंसान, पूरी कायनात पैदा किया, हर चीज़ पैदा किया, दुनिया में इंसान पैदा किया, तो इंसान की रहनुमाई और गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया, इंसान की गाइडेंस के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया, और वो इंतज़ामात के वास्ते अल्लाह ने यह ऐसा ऐसा तरकीब किया कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान अपने अकल से और अपने दिमाग से अल्लाह को पहचाने। खाली ऐसा अल्लाह की चीज़ों को या अल्लाह की मखलूक दूसरी को डायरेक्ट देखकर, या अल्लाह को देख के, या फरिश्तों को देखकर, या अल्लाह की किसी मौजज़े को देखकर इंसान कबूल ना करे, अगर ऐसा है तो फिर अकल और दिमाग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, अकल दिमाग मंतक का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान, जिसको इतनी अकल है, पूरी कायनात में हमको मालूम है कि इंसान सबसे ज़्यादा अकलमंद है, तो ये ऐसा इंसान जो है अल्लाह को जो पहचाने कायनात को देखकर, कायनात के दूसरी चीज़ों को देखकर, इसकी वसत, उसकी चौड़ाई, लंबाई, इसके अंदर मौजूद हिसाब किताब, ये इनको सबको देखकर अल्लाह को पहचाने। हालांकि अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह का नज़र नहीं आना भी एक हमारे लिए टेस्ट है, एक इम्तिहान है, हमारे दिमाग का इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान जो है अपने अकल से, दिमाग से अल्लाह को पहचाने, ज़बरदस्ती नहीं है, या किसी चीज़ को देख कर, जैसा कोई चीज़ देख लिए और चमत्कार देखकर नमस्कार करना, अल्लाह नहीं चाहता ऐसा। तो उसके लिए अल्लाह ने ये किया है कि एक मखलूक शैतान भी पैदा की हुई है, जिसका जैसा जिक्र हुआ कि हमारे बुजुर्गान दीन और सूफिया ने तंजीलात का एक सिस्टम निकाला था, कि अल्लाह ताला ने जब कुन कहा कायनात पैदा होने से पहले, तो कुन से एक वाइब्रेशन पैदा हुआ। वाइब्रेशन एक किस्म की एनर्जी है, जैसा कि आजकल के जदीद साइंस में भी, स्ट्रिंग थ्योरी में भी यही बोलते हैं कि कायनात में एक वाइब्रेशन हुई, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की वजह से जर्रात बने, प्लाज्मा बना, पार्टिकल बने, और बाद में फिर कायनात बनी। तो वैसे ही सोफिया ने, ये जो स्ट्रिंग थ्योरी से भी 800-900 साल पहले हमारे जो सोफिया बुजुर्गान दीन है, उन्होंने भी फिर एक थ्योरी पेश की थी कि लफ्ज़ कुन से तंजिलात हुए, कुन के लफ्ज़ कुन में तंजिलात होने के बाद वो कैसा कैसा कायनात बनी, रोश नूर बना, हरारत बनी, कसीफ होके जर्रात बने, ये हुआ तो हुआ। तो वो एक फलसफायाना टॉपिक है, इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है, फिर भी इस्लाम के तनाजुर में बोला जाता है, इसलिए मैंने बताया। और हमारे एक मारूफ इस्लामी जो स्कॉलर थे लाहौर के, लाहौर और कराची के, वो इसका हमेशा तस्करा करते थे, तो इसलिए मैं आपको बता दिया।
ये भी आपके मालूमात में होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने शैतान भी एक मखलूक पैदा की है, जिन जिनों में से है। जिन जो है तो आग से पैदा हुए, फरिश्ते नूर से पैदा हुए, जैसे पहले बताया था मैंने। तो शैतान के और आदम अलैहिस्सलाम की पैदा करने की कहानी भी आपको थोड़ी सी बता दिया मैंने। कुरान शरीफ में 7 मरतबा उसका जिक्र है, अलग अलग सूरों में है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से आदम को पैदा किया और किस तरीके से शैतान का उसके अंदर रोल रहा। तो असल में शैतान आदम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो शैतान के दिल में जलन हसद पैदा हुई कि ये मेरा जगह ले लिया और अल्लाह ताला ने मेरी जगह पे शैतान इंसान को जो है तो खलीफा बना दिया, नायब बना दिया। तो शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं इस आदम को बर्बाद करूंगा, इसकी औलाद को बर्बाद करूंगा और सीधे रास्ते पे नहीं चलने दूंगा, दोजख में जाने वाला बनाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने शैतान का चैलेंज कबूल किया और उसको परमिशन दी। शैतानी परमिशन भी मांगी कि मुझे परमिशन दे कयामत तक के लिए मैं इनको बहकाऊं। अल्लाह ताला ने उसको परमिशन दी। अब अल्लाह ताला के अंदर जो अच्छी क्वालिटी है, हर चीज़ है, उसका तकाजा ये है इंसाफ का कि अगर जब किसी को चांस दे रहे, किसी को मौका दे रहे, तो भरपूर उसको मौका देना चाहिए। फ्री एंड फेयर जिसको मौका बोलते हैं, ऐसा देना चाहिए। किसी किस्म का उसमें अड़थड़ा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की जानबदारी नहीं होना चाहिए। कि तो अल्लाह ताला तो इंसानों का या अपनी सारी मखलूक का तरफदार है, जानबदार है, मगर अल्लाह ताला ने जब शैतान को एक मौका दिया, एक चांस दिया, लॉजिकली बोल बता रहा हूँ मैं, मंतकी तौर पर, कि जब अगर किसी को कोई हम कोई मौका देते हैं, किसी को कोई चांस देते हैं, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि उसको फ्री एंड फेयर मौका देना चाहिए। तो शैतान को फ्री एंड फेयर मौका देने के लिए अल्लाह ताला ने ये किया कि अपने आप को, अपने जो मखलूक को छुपाना चाहता था, छुपा दिया कि वो इंसानों को नजर नहीं आ रहे। अगर इंसानों को मखलूक नजर आती, फरिश्ते नजर आते, जन्नत दोजख नजर आती, तो सारे इंसान वही मानते। शैतान या कोई और चीज अगर इंसानों को बहकाने की लाख कोशिश भी करती तो वो मानते नहीं थे। तो ये फ्री एंड फेयर नहीं होता था। शैतान ये बोलता था कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, आपने ये चीज देख के ये इंसान ने मान ली। तो अल्लाह ताला ने हमारे टेस्ट के लिए, इम्तिहान के लिए, हमारे अकल के इम्तिहान के लिए ये ऐसी चीजों को गायब रखा हमारी नजरों से और शैतान को फुल मौका दिया कि वो बहकाए। तो अब शैतान के पास कोई मौका या चांस नहीं है ये बोलने का कि अल्लाह ताला तूने इंसान को जो है तो अपने तरफ रागब करने के लिए ये चीजें रखी है, इसलिए देख के वो तेरे तरफ जा रहे हैं और मेरी बात नहीं मान रहे। शैतान को फुल मौका दिया है कि वो जाए और इंसानों को बहकाए। कुरान शरीफ में आयत है, अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लाह ताला की जो मर्जी तो यह है कि इंसान अपने अकल से पहचाने कायनात को देखकर अल्लाह को। तो अल्लाह ताला ने अपने सूरह हज में, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 10 में ये फरमाया है कि जो हमारी जो निशानियां हैं आसमान जमीन में, जिंदगी में, इंसान के जिस्म में, हर तरफ जो अल्लाह की निशानियां हैं, वो देखने के बाद भी अगर कोई लोग नजरअंदाज करते हैं तो वो उनको मैं दोजख में डालूंगा, उनको सजा दूंगा। और अल्लाह ताला ये भी कहता है इस सूरे में कि मैं जालिम नहीं हूं, यानी अल्लाह ताला जालिम नहीं है। इतना सब होने के निशानियां देखने के बाद भी अगर कोई जी चुराएगा और कोई अल्लाह को नहीं पहचानेगा तो फिर ऐसे की सजा यही है कि फिर अल्लाह ताला उसको सजा दे। यहां तक अपनी बात निकली कि शैतान को फ्री एंड फेयर मौका मिला। शैतान बहकाता कैसा है? शैतान सिर्फ बहका सकता है, शैतान के पास कोई पावर नहीं है इंसान को कंट्रोल करने का। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कुरान में कि शैतान के पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ वो बहका सकता है, यानी हमारे ख्यालात के अंदर कुछ बात पैदा कर सकता, हमारे हमको जबरदस्ती पकड़ के चला फिरा नहीं सकता, किधर से निकल उधर जा रहे, इधर से हमारे हाथ पैर पे, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। शैतान का कंट्रोल सिर्फ जो है इंसान की सोच पर है। तो शैतान मुख्तलिफ किस्म तरीके से लोगों को, इंसानों को बहकाता है, उनके दिल में ख्यालात पैदा करता है, कुफर के ख्यालात पैदा करता है, अल्लाह नहीं है, कायनात खुद ब खुद बनी, ये सारे ख्यालात जो है, और उस किस्म के अल्लाह के अलावा जो अल्लाह ने जो शिर्क है, अल्लाह ने ये फरमाया हुआ है कुरान में और आसमानी मजाहब में कि अल्लाह सिर्फ एक है, हर वक्त उसने फरमाया कि अल्लाह एक है। तो शैतान जो है ना, और ये बात इंसानों के दिलों में पैदा करता है कि अल्लाह के अलावा भी और ताकतें हैं और कुव्वतें हैं और उसके अल्लाह के मददगार हैं और अल्लाह के सपोर्टर हैं और अल्लाह के चाहने वाले हैं, जो इंसानों की हाजत पूरी करते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, ऐसे भी है जिनकी थोड़ी बहुत चलती है अल्लाह के पास, ये शैतान का बोलना है। अल्लाह ताला को इस बात से सख्त नफरत है। अल्लाह ताला चाहता है कि वो सिर्फ अकेले उसी की इबादत की जाए, उसी से, उसी को पुकारा जाए। जब भी किसी जरूरत है, कोई चीज़ है, सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए, उसके अलावा किसी हामी, मददगार, किसी चहेते को नहीं माना जाए। अल्लाह के चहेते, अल्लाह को चाहने वाले,
अल्लाह के करीबी बहुत है, बहुत ज्यादा है, जो अल्लाह ही जानता है वो अल्लाह के करीबी है, अल्लाह के चहेते हैं और अल्लाह को मानने वाले हैं, तो उनका दर्जा बहुत बड़ा है, मगर अल्लाह के कामों में उनका कोई दखल नहीं है और अल्लाह ना उनको अपने कामों में दखल देने देता है। और अगर कोई उनसे डायरेक्ट मांगता है तो ये अल्लाह को बहुत बात बुरी लगती है, तो ये शैतान को ये बात मालूम है, तो वो इंसानों के दिलों में ऐसी बात पैदा करता है कि अल्लाह के चहितों के पास जाओ, अल्लाह के चहितों से थोड़ा सा वसीला लगाओ और थोड़ा सा क्या रिकमेंडेशन उनके उनके थ्रू लो, ऐसी बातें दिमाग में पैदा करता है, लोगों को भी भली मालूम होती है, इस तरीके से शैतान बहकाता है। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था शैतान के बहकाने का, कि वो कभी किसी इंसान को बीमार कर देता है, किसी काम में या उसके धंधे बिजनेस में मंदी आ जाती है, ला लेता है शैतान, और बाद में इसके दिमाग में ये बात पैदा कर देता है कि तुम्हारे धन तुम्हारे पर साया हो गया, तुम पे असर हो गया, किसी ने तुम्हारे पे कर दिया, तो फला फला बाबा के पास चले जाओ, उनके ताबीज से तुम अच्छे हो जाएंगे, और फिर बाद में जब वो चले जाता है इंसान, वो परेशानी की वजह से, धंधे बिजनेस या बीमारी की परेशानी में इंसान परेशान हो जाता है और बाबा के पास चले जाता है, ताबीज ले लेता है, ताबीज लेने के बाद शैतान क्या करता है, वो जो उसने किया था धंधे व्यापार में या जिस्म में बीमारी में वो खराबी, वो हटा लेता है, वो आदमी अच्छा हो जाता है, और ये क्या समझता है फिर आदमी कि वो तावीज से अच्छा हुआ, फिर तावीज के ऊपर वो बाबा के ऊपर उसका अकीदा बढ़ जाता है, फिर वो आदमी एक आदमी से दूसरे आदमी को बताता है, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी को बताता है, और ये सिलसिला चलते रहता है। तो और इसी किस्म से जादू टोना भी है, जादू टोना ये वो सारी जो चीजें हैं मैजिक, वो सब शैतान के जो कारिंदे हैं वो करते। इसके पहले मैंने बताया था कि शैतान के भी मानने वाले हैं जिनों में से, शैतान की भी औलाद है और उसके भी चाहने वाले हैं, उसके भी नस्ल है जिनों की जो शैतान को फॉलो करते, कुछ इस्लाम को भी फॉलो करने वाले हैं, और ऐसा करते करते फिर मैंने बताया था कि जो तकदीर है जिसको किस्मत बोलते हैं या नसीब बोलते हैं, वो एक वीडियो गेम की तरह है, वो भी मुख्तसर मैंने पिछले उसमें बता दिया था कि जिस तरह वीडियो गेम कंप्यूटर गेम जो मोबाइल पे चलते रहता, तो वो किस तरीके से पहले से प्रोग्राम करा हुआ रहता, पहले से पूरा लिखा हुआ रहता, A to Z उसकी हर चीज लिखी हुई रहती कि कैसा खेलना है, कैसा जीतना है, कैसा हारना है, और हारने के बाद वो आदमी कैसा गिरेगा, कैसा उसको मार लगेगा, और जीतने के बाद कैसा खुशियां होंगी, वो हर चीज लिखी हुई थी, आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, अभी तक 3 मरतबा मैं बता चुका हूँ, तो वैसा ही वो वीडियो गेम में पहले से सब कुछ लिखा रहता, फिर भी हम लोग खेलते, ऐसा नहीं सोचते कि ये तो पहले से लिखा हुआ है इसमें हार जीत, अब हम क्या क्यों खेले, वैसे नहीं है, वैसे ही जिंदगी में जो अल्लाह ताला ने तकदीर की जो पहले से लिख दी हुई है, नसीब जो पहले से लिखा हुआ है, वो इसी तरीके से है वीडियो गेम के तरीके से, मगर वो हम उसके जिंदगी में काम करना चलना हमारे काबिलियत पे है, जैसा वीडियो गेम खेलने वाले की काबिलियत और स्किल के ऊपर वो डिपेंड है कि वो वीडियो गेम खेल के जीतता है कि नहीं जीतता है, हारता है क्या क्या करता है, तो हालांकि वो प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, वैसे तकदीर भी पहले से लिखी हुई है, मगर तकदीर जिंदगी में सही रास्ते पे चलना और गलत रास्ते पे चलना हमारे अपनी काबिलियत के ऊपर डिपेंड है, ये भी मैंने बता दिया था, अब इसके आगे नहीं। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने नए नए चीजें निकाली किस्मत और रूह के ताल्लुक से, रूह क्या है वो भी मैंने बता दिया था, फाल है, नुजूम है, पालमिस्त्री है, दस्त शनासी है, कयाफा शनासी है, सितारों की चाल है, अम्मास, पूनम, तोहमात, काली बिल्ली, जादू, सिफली अमल, बाबा जी, तांत्रिक, ज्योतिषी, ये सारे सारे चीजें मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, और एक भी चीज कि हमारे पास जो लोगों के अंदर तोहमात है, गलत अकीदे बाबाओं पे बैठे हुए है, वो इतने पावरफुल हो गए लोग, शैतान हो, शैतान के बहकाव में इतने ज्यादा आ गए कि जो पेपरों में पढ़ो, अखबारों में पढ़ो, बाबा लोगों के एडवर्टाइज है, बाबा जो अमल अमलियात करके लोगों के परेशानियां दूर करने के दावे करते, उनके पेपर में एडवर्टाइज पढ़ो, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आज से 20 साल पहले भी देखा था, ऐसे ऐसे एडवर्टाइज है, उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि पहले के पैगंबरों को भी नहीं था, पहले के नबी भी इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते थे जितना आजकल के ये बाबा लोग पेपर में कर रहे, कैसा कर रहे, कोई बोलता मैं 24 घंटे में तुम्हारा इलाज कर दूंगा, 24 घंटे में तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएंगी, कोई बोलता 10 घंटे में हो जाएंगी, कोई बोलता 8 घंटे में हो जाएंगी, कोई बोलता 11 घंटे में मुराद पूरी हो जाएंगी, ये जो दावे हैं ये जो बाबाओं के, ये असल में बाबा लोग जो है ना, एक तो या तो शैतान से करते हैं, और ज्यादातर 99% तो बाबा लोग जो है वो माफिया के लोग है, गुंडों के लोग है, वो उनके पास सुपारी लेने वाले लोग है, वो उनके पास मौजूद रहते, और जैसा अपना कोई काम है, किसी को कुछ करना है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है, तो बाबा के पास चले जाओ आप, उनके पास उनको बताओ अपनी ख्वाहिश, वो बताते, वो बाबा बिल्कुल बन के बैठे हुए हैं, टोपियां पहने हुए, तस्बीह हाथ में, अमल अमलियात करते हुए, उनके पास चले जाओ, बोलो कि फला फला शख्स को मुझे तकलीफ पहुंचाना है, वो तुमसे पैसे ले लेंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी तुम्हारा काम है उस हिसाब से, और अपना गुंडा भेज देते
और वो आदमी का काम कर देते उधर। और आपको क्या बताते, हमने जिन भेज के काम कराया है, वो 10 घंटे में भी हो सकता, 11 घंटे में भी हो सकता। तो ये बाबाओं का ये मसला है कि ये इस तरीके से लोग कंट्रोल करते। और ये सारे जितने भी बाबा है हर मजहब के, खाली मुसलमानों के नहीं, हर मजहब के अंदर जो बाबा लोग बैठे हुए हैं, वो असल में गुंडों उनके कंट्रोल में गुंडे रहते, या गुंडों के सरगना रहते, या गुंडों का एक नेटवर्क रहता, उसके ये लोग बाबा रहते। ये भी एक बात ध्यान में रखना है। और इसके बाद मैंने जो बताया था, अल्लाह ताला ने जो मखलूक पूरी पैदा की है उसकी हिदायत का इंतजाम करने के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजे, पैगंबर भेजे। और आदम अलैहिस्सलाम के बाद से दुनिया में बहुत सारे पैगंबर भेजे जिसका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर है। कुरान शरीफ अगर आप तर्जुमे से पढ़ेंगे, तर्जुमे से ही पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि जो अरबी में पढ़ रहे हैं वो तो हम पढ़ सकते हैं, उसका सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता, मगर अगर तर्जुमे से पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। कुरान शरीफ का पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और समझ के उसके ऊपर अमल करने का भी सवाब मिलेगा, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी मालूम होगा। इसलिए कुरान शरीफ को तर्जुमे से, ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहिए। जो भी जबान आपको आती वो उस जबान में पढ़ना चाहिए। अगर जिन लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती, अच्छी तरीके से आती, तो उन्होंने इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं मगर उनकी मदर टंग कोई दूसरी है, तो उन्होंने फिर इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहिए, जो आसान समझ सकता उस जबान में पढ़ना चाहिए। और अरबी सीख के पढ़ना तो आजकल मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, कि तो टाइम नहीं है। उसी लिए तो ये क्रैश कोर्स का सिलेबस मैंने निकाला है, कि इस्लाम के बारे में खुद मालूमत नहीं है तो अरबी कब सीखेंगे और पढ़ेंगे कब। इसलिए कम से कम ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। और अगर जो लोग अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहते और ट्रांसलेशन से भी नहीं पढ़ सकते, तो किसी अरबी जानने वाले से जो अरबी पढ़ सकता है या ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, कम से कम जो उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेशन पढ़ के आपको सुना सकता है, तो उसके पास बैठ के सुनना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्यों तो ये सब अल्लाह की गाइडेंस है। कुरान शरीफ जो है खाली तावीज़ की किताब नहीं है, कि कोई किसी को बीमारी हो जाए तो उसके ऊपर पढ़ के फूंक दो, कोई मरने लगा तो उसके ऊपर पढ़ के फूंक दो, ये ऐसा नहीं है। बल्कि ये जिंदा इंसानों के लिए है, जो इंसान जिंदा घूम रहे फिर रहे दुनिया में, जो माशरा है मुसलमानों का और लोगों इंसानों का जो सोसाइटी है, उसके फायदे के लिए है। इसलिए कुरान शरीफ को पढ़ना समझ के जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने पैगंबर भेजे, और पैगंबर का जिक्र कुरान शरीफ में है। उसका आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, उनका बहुत तफसील जिक्र है। अलग अलग किस्म के पैगंबर हैं उसमें, सबसे इसलिए नाम बता रहा हूँ मैं, लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता कि पैगंबर और हुजूर के सहाबा के नामों में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं खुद अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, कि मेरे पहचान वाले थे अच्छे, मेरे साथ काम करते थे, तो उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम में और अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में कोई फ़र्क नहीं है। वो ये समझते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के दोस्त हैं, तो असल में वैसा नहीं है। इसीलिए मैंने जब से ही सोच लिया था कि एक इस्लामिक क्रैश कोर्स मैं निकालूंगा, ताकि लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो। तो असल में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पैदा किया, आदम पूरे दुनिया के इंसानों के बाप, उनके औलाद पूरी दुनिया में है, जितने भी इंसान हैं, काले, गोरे, चीनी, अफ्रीकी और यूरोपियन और जो भी है, वो सारे जो लोग हैं वो सब आदम ही के औलाद है। अलग अलग इलाकों में, अलग अलग मौसम में रहने से उनके रंग रूप ये बदल चुके, तो उन सब में अल्लाह ताला ने हर कौम में, हर हर इलाके में और हर मुल्क में पैगंबर भेजे अपने बराबर गाइडेंस के लिए। ऐसा किसी कौम को नहीं छोड़ा कि जहाँ पैगंबर नहीं आए, मगर वहाँ के लोग वो उनकी तालीमात को भूलते चले गए या गुम कर दिए। तो अल्लाह ताला बराबर अपनी तालीमात भेजते रहा, अपने बराबर अपने नबी भेजते रहा, गाइडेंस करते रहा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों को शैतान के शर से बचाना चाहता था। शैतान ने जो चैलेंज किया था कि मैं आदम को बहकाऊंगा, उससे बचाने के लिए अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि लोग इंसानों की गाइडेंस के लिए पैगंबर भेजते रहे, और पैगंबर भी ऐसे भेजे कि जो लॉ है अल्लाह का, जो गैर जानबदारी का, ये शैतान को फ्री एंड फेयर मौका देने का, वो भी नहीं तोड़ा। अगर समझो डायरेक्ट आसमान से कोई फरिश्ता भेज देता तो इंसान की गाइडेंस के लिए, तो वो लॉ टूट जाता था। शैतान बोलता था तूने रहनुमाई के लिए तो फरिश्ता भेज दिया, अब वो लोग जो है तो फरिश्ते को नहीं मानेंगे तो फिर क्यों मेरे कैसे मानेंगे। तो ये फ्री एंड फेयर नहीं होता था, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान भेजे, और इंसान जो इंसानों में से किसी को चुन के नबी बना के भेज दिया। तो वो नबियों के ऊपर भी लोगों ने इतराज़ किए कि ये नबी तो इंसान है। इसके बारे में भी मैंने पिछले चैप्टर में तफसील बता दिया था कि नबियों का इंसान होना क्यों ज़रूरी है। क्यों? तो नबी जो तालीमात लेके आते, जो हिदायत लेके आते अल्लाह की, उसके ऊपर सबने अमल करना होता है। खाली नबी की ज़िंदगी तक नहीं रहता, नबी के इंतकाल के बाद वो पूरी मानने वालों पे, पूरे लोगों के ऊपर वो लाजमी हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे, और उसके ऊपर अमल वही कर सकते जो इंसान है।
अगर नबी फरिश्ते होते और वो कुछ काम करके दिखा देते, ये कोई माशरा कायम कर देते, कोई हुकूमत कायम अगर कर देते इस्लामी, तो उसके वो काम करना फिर फरिश्ते का ही काम है, इंसान नहीं कर सकते थे। इंसान बाद में बोलते थे वो तो फरिश्ते थे, वो नबी तो इंसान थे नहीं, उन्होंने जो काम किया हम नहीं कर सकते, ये बोल सकते थे। तो ये नहीं बोलना, और इंसानों का मकसद दुनिया में अल्लाह की जानने वाली, अल्लाह को पहचानने वाली एक सोसाइटी कायम करना है, एक अच्छी सोसाइटी कायम करना है जो शैतान के शर से महफूज रहे, ऐसी सोसाइटी कायम करना है, ये इंसानों का काम है, और वो काम इंसान कर सकते, इसलिए इंसान जो रसूल भेजे, पैगंबर भेजे। अब मगर ये हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वो नबियों को इंसान नहीं समझते, वो समझते वो इंसान नहीं है, जब ये इसकी वजह ये है कि उनको मकसद नहीं मालूम है कि किस वजह से पैगंबर भेजे। इस बात का अगर मकसद मालूम हो जाए तो फिर वो इंसानों, वो पैगंबरों को इंसान नहीं बोलेंगे, मगर उनको मालूम नहीं, वो समझते पैगंबर बहुत बड़ी चीज़ है और वो इंसान नहीं है। ये बात मानते कि पैगंबर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुकर्रब है, अल्लाह के बहुत करीब है, मगर वो इंसान है, इंसान इसलिए बना के भेजा कि अगर वो इंसान नहीं होते तो उनके जैसे हम नकल नहीं कर सकते, हम जो है ना सिर्फ जो इंसान है इंसान की नकल कर सकता। ओलंपिक के खेलों में या कोई भी खेलों में जब रेस का मुकाबला होता तो दो इक्वल किस्म के आदमियों से होता, एक जवान आदमी एक बूढ़े आदमी का मुकाबला नहीं होता, इंसानों में भी इंसान ही है, एक बूढ़ा इंसान है एक जवान है, नहीं होता, उम्र सेम, वजन सेम, और यहाँ तक कि एक औरत और एक मर्द में भी मुकाबला नहीं होता, औरतों के मुकाबले औरतों के साथ होते, मर्दों के मर्दों के साथ होते, ये तो बराबर ही रहो, मगर किसी घोड़े के साथ इंसान का मुकाबला होता है क्या? ये घोड़ा है भाग रेस कर रहा है, इंसान भाग रहा है, नहीं होता, कि तो दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। वैसा एक अगर फरिश्ता अगर आ जाए नबी बोल के और उसने कुछ काम दुनिया में किया, कायम किया, तो उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, उसके जैसा हम नहीं कर सकते, हमारे पास ये हुज्जत होती कि ये काम हम नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला फिर हम इंसानों को पकड़ भी नहीं सकता था कि तुमने दीन कायम क्यों नहीं किए, दुनिया के अंदर अच्छाई कायम क्यों नहीं किए, इंसाफ कायम क्यों नहीं किए, तुमने अल्लाह की रहनुमाई क्यों नहीं दुनिया में कायम किए, तो इंसान बोल सकते थे कि वो हम नहीं कर सकते, हम तो इंसान है, वो फरिश्ते थे नबी, इसलिए उन्होंने किए, हम नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला कुछ नहीं कर सकता था, तो ये नहीं होना, इसलिए लॉजिकली अल्लाह ताला ने सारे नबियों को इंसान बना के भेजा। ये भी एक बहस है, और वो इसलिए लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि लोगों को ये नबियों का मकसद नहीं मालूम कि क्यों आए, तो इसलिए ये भी एक बात पैदा हुई। तो नबी जो है अल्लाह ताला ने जो भेजा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे, पहले इंसान थे, और उनके औलाद उनके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया के दो जो तीन आसमानी किताब मजाहब है, यहूदी मजाहब से सबसे ज्यादा मालूमात मिलती है, जो यहूदियों का मजहब है जुडाइज्म, तो उसके अंदर बहुत सारे पैगंबरों का जिक्र है, आदम के बाद बहुत सारे, बड़ी लिस्ट है अच्छी, मगर हमारे पास कुरान में सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है। उसका तरतीब अगर मैं बताऊं तो आदम अलैहिस्सलाम है, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और उसके बाद जो है कौम आद के साले का अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद जो है तो दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद और कुछ पैगंबरों का जिक्र है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है, हजरत जो है तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और सब मिला के 25 पैगंबरों का जिक्र है कि ये पैगंबर ऐसे आए। वो सब पैगंबर जो आए इंसानों की भलाई और रहनुमाई के लिए आए, लोगों ने उनकी हिदायत को घुमाते गए, और दूसरे पैगंबर आखिरी में अल्लाह ताला ने ये पैगंबरों का सिलसिला जारी रखा, और आखिर में एकदम लास्ट में जब पैगंबर भेजे, अल्लाह ताला ने एक आखिरी रसूल को भेजे, उनका नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी बना के भेजा, उनके उन्होंने कह दिया कुरान शरीफ के अंदर, हदीसों में बहुत ज्यादा कह दिया कि मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है, और उनको जो हिदायत दी, उनको जो रहनुमाई दी, गाइडेंस दी, उसका नाम है कुरान। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये हजूर सल वसलम आखिरी पैगम्बर क्यों है। आखिरी पैगम्बर उन्होंने एक तो कह दिया कि आखिरी है, उसके अलावा पैगम्बर जो है जितने भी आते थे और जो भी पैगम्बर आए तो उनके साथ एक मुअज्जा रहता था, एक मिराकल रहता था, हर पैगंबर बगैर मिराकल मुअज्जा के नहीं है। आजकल हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते कि हम पैगंबर हैं, हम नबी हैं, इसके बारे में हुजूर सल्लम ने हदीस में फरमा दिया है कि जो भी मेरे बाद अगर पैगंबर का दावा करेगा, नबी होने का दावा करेगा, वो झूठा है। और ये भी हदीस है कि मेरे क्यामत से पहले, मेरे बाद क्यामत से पहले 30 झूठे आएंगे, 30 झूठे होंगे जो अपने आप को पैगंबर का दावा करेंगे। तो हुजूर ने कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं है।
तो अभी इसके ऊपर मंतकी और लॉजिकल पॉइंट क्या है कि हुजूर आखिरी पैगंबर क्यों है। आखिरी पैगंबर इसलिए है कि अब कोई उनके जो पैगंबर जब भी आते थे, लॉजिकल बात यह है कि पैगंबर कब आते थे, अल्लाह ताला जो काम है, अल्लाह ताला जो आपको मालूम है, इससे पहले मैं बहुत उसके बारे में बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला कोई गैर जरूरी काम नहीं करता, ऐसा काम जो गैर जरूरी है कि, तो वो भी एक निगेटिव पॉइंट है। अगर गैर जरूरी काम करना और जो काम जरूरी नहीं है वो काम करना, एक निगेटिव बात है। और इसलिए अल्लाह ताला जो भी काम करता है वो जरूरी करता, उसके अलावा जो भी काम करता उसमें कई कई निशाने रहते, एक एक तीर से कई निशाने लगते, ऐसे काम करो। तो जब पैगंबर कब भेजता है अल्लाह ताला, लॉजिकल बता रहा हूँ मैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर क्यों है। तो जब भी पैगंबर अल्लाह ने भेजे, 1,40,000 जो पैगंबर भेजे, उसकी वजह यह है कि वो पैगंबर जब आते थे और वो जब गाइडेंस अपनी लोगों को देते थे तो लोग वो गाइडेंस कुछ दिन फॉलो करते थे, पैगंबरों के इंतकाल के वक्त या कभी उनकी जिंदगी में वो अच्छी खासी चलती रहती थी, मगर जो गाइडेंस भूल जाते थे या किसी वजह से, किसी जहालत की वजह से या किसी वजह से उनकी जो हिदायत थी वो खत्म हो जाती थी, तो अल्लाह ताला दूसरा पैगंबर भेजता था। अल्लाह ताला ये चाहता था कि इंसान हमेशा गाइडेंस में रहे, शैतान के कंट्रोल में ना रहे और शैतान के बहकावे में ना रहे, इसलिए हमेशा एक के बाद दूसरा पैगंबर भेजते जाता था, जब भी जरूरत हो वो भेज देता था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की गाइडेंस की हमको जरूरत नहीं रही, ये एक लॉजिकल बात है कि अब जो हुजूर के पास जो गाइडेंस आई थी वो आई थी कुरान और हदीस, दो बातें आई थी, कुरान और हदीस के बारे में बताऊंगा मैं। कुरान जो है अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला डायरेक्ट किसी कुरान को किसी ने, इंसान ने नहीं लिखा, किसी भी इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह ताला जो जो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता था, फरमाता था, इनके पर वही बोल, इनके दिमाग में कोई बात आती थी वो जो जिसको वही बोलते, जो अल्लाह ताला की तरफ से सेंड की हुई रहती थी, वो समझो डाउनलोड है, अलग तरह से जो चीज़ डाउनलोड होती थी उसको कुरान बोलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात लोगों को पढ़ के सुनाते थे और लिखा देते थे अपनी ज़िंदगी में बाकायदा, वो जब भी कोई बात आती थी अलग तरफ से जिसको कुरान बोल के आती थी उसका वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में लिखा देते थे, वो लिखी हुई चीज़ें मौजूद थी, हुजूर के इंतकाल के बाद भी वो चीज़ें मौजूद थी, उसी से कुरान को फिर कागज़ के ऊपर लिखा गया। तो वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी हुई है जिसको कुरान बोलते, वो कुरान जैसी की वैसी हालत में मौजूद है, कुरान का एक मौजजा भी है, अल्लाह ने कुरान में बोला भी है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा संभालने की। तो आज देखो 1440 साल से ज्यादा हो गए, कुरान अभी तक महफूज है, गैर मुस्लिम तक कबूल करते हैं कि वो महफूज जैसा का वैसा है और दुनिया के मुख्तलिफ म्यूजियम के अंदर वो रखा हुआ है, देख सकते हैं जैसा का वैसा है, दुनिया की कोई मजहब की किताब इतनी सेफ तरीके से रखी हुई जैसी वैसी नहीं है। तो कुरान अभी मौजूद है, वो खत्म नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, तकरीबन 5 लाख से ज्यादा हदीसें हैं, उसमें से लोगों ने बहुत ज्यादा छान के, उसमें से चुन चुन के एकदम ऑथेंटिक हदीसें भी निकाले, 25,000 तक है, और बाकी की भी जो 5 लाख तक है वो भी खराब नहीं है, वो भी अच्छी है। तो इसका मतलब हुजूर की तालीमात जैसी वैसी मौजूद है, और अभी कोई दूसरे नबी भेजने की जरूरत नहीं है। जब दूसरा नबी अल्लाह ताला कब भेजता, जब वो पहली तालीमात खत्म हो जाए, पहली तालीमात लोग लॉस्ट कर दे, अल्लाह की तरफ से आने वाली कोई हिदायत दुनिया में बाकी ना रहे, उस टाइम पे फिर अल्लाह भेजता। एक लॉजिकल पॉइंट तो यही कि हुजूर के पास अल्लाह ने जो तालीम भेजा था वो जैसी की वैसी मौजूद है। नंबर दूसरा लॉजिकल पॉइंट ये है कि कुरान और हदीस इसके अंदर से हमारे लिए गाइडेंस हमेशा निकलती है, ऐसा नहीं कि कभी कोई ऐसा मौका हमको आ गया या फ्यूचर में कभी आ सकता है कि जो ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा मसला कि जिसका हल, जिसका सोल्यूशन कुरान और हदीस से नहीं निकलता, ऐसा नहीं है। जब तक कुरान और हदीस से सोल्यूशन निकलना बंद नहीं होगा, कुरान और हदीस की ऑथेंटिसिटी खत्म नहीं होगी, हमारे पास ये कुरान हमारा दावा नहीं है बल्कि कुरान का मिराकल है। आप कभी भी चेक कर लो कि अभी तक 1440 साल से ज्यादा हो गया कुरान को पास्ट में, जब भी कोई मसला आया, जब भी कोई प्रॉब्लम आया, वो कुरान और हदीस के अंदर, उसके अंदर से गाइडेंस निकली। ये कुरान का एक मौजजा है, कुरान का एक मिराकल है कि कुरान हर जमाने के लिए है, कि तो ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी, अल्लाह ताला ने कह दिया, हुजूर सल्लम कह दिया कि कुरान आखिरी किताब है, इसके बाद कोई गाइडेंस नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि कुरान जो है तो हर जमाने के लिए है, पिछले जमाने के लिए भी था पास्ट में, अभी हाल में फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में भी हमारे लिए कुरान गाइडेंस है, और फ्यूचर में भी जब तक कयामत नहीं आती, जब तक दुनिया खत्म नहीं होती, तो कुरान ही गाइडेंस रहेगा और हदीस ही गाइडेंस रहेंगी। ये कैसा, अब कुरान अभी जो कयामत है, अब आने में कितना टाइम है हमको नहीं मालूम, 2,000 साल के बाद आएंगी या 500 साल के बाद आएंगी या 5,000 साल के बाद आएंगी या 10,000 साल के बाद आएंगी या 10 लाख साल के बाद आएंगी या 20 लाख साल के बाद आएंगी, ये नहीं मालूम है। जब भी आएंगी, जब तक कुरान हमारा
हमारे लिए गाइडेंस है, जब उसमें से हिदायत निकलेंगी। इसका प्रूफ है, कुरान शरीफ ने ये बता दिया है। कुरान के अंदर आज देख लो, आज इंसान जो है, जो भी प्रॉब्लम है इंसानों को दुनिया में, खाली मुसलमानों को नहीं, इंसानों को जो भी प्रॉब्लम है उसके हल कुरान से निकल रहे। हालांकि कुरान बहुत छोटी किताब है, बाकी दूसरी मजहब की किताबों के मुकाबले में कुरान छोटी किताब। दूसरे मजहब के अंदर तो 20-20, 40-40 किताबें हैं, उससे ज्यादा किताबें मौजूद है इतनी उनके मजहब की। उनके मजहब की किताबें पढ़ने के वास्ते पूरी पूरी जिंदगी भी आदमी लगा देते, सिर्फ एक मरतबा पढ़ सकते, इतनी ज्यादा किताबें। मगर कुरान वैसा नहीं है, कुरान इतनी छोटी किताब है कि अगर कोई आदमी बैठ जाए तो एक हफ्ते में खत्म कर लेता, वो भी आसानी के साथ। हदीसों में तो यह है कि 3 दिन में खत्म कर सकते, 3 दिन से कम टाइम में नहीं करना बोल के। बहुत से लोग तो 1 दिन में खत्म कर देते पढ़ के, मगर ऐसा नहीं करने का हुक्म है, 1 दिन में खत्म करने का हुक्म। मगर मतलब बताने का यह है कि इतनी छोटी किताब है कि कोई आदमी 1 दिन में भी पढ़ के खत्म कर सकता। दूसरे मजहब की किताबों के लिए तो पूरी जिंदगी चाहिए, इतनी उनके पास किताबें मौजूद है और वो पढ़ते। तो वो इतनी ज्यादा किताबें होना भी कोई फायदा की चीज नहीं है, बल्कि वो नुकसान ही है। तो कुरान इतनी छोटी किताब है, वो उसमें से हमेशा के लिए गाइडेंस निकलती, पिछले माजी में भी निकली, अभी हाल में भी निकली और फ्यूचर में भी निकलेंगी। अभी इसका सबूत क्या है, तो आज देखो, आज हमारे जितने भी प्रॉब्लम है पूरे इंसानों के, खाली मुसलमानों के नहीं, जो भी प्रॉब्लम है उसका गाइडेंस हदीस और कुरान में से निकलता। ऐसा कोई मसला नहीं है, आज आप कोई भी पूरे दुनिया के लोग मिलके ये बता नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम है और जिसका हल इस्लाम से नहीं निकल रहा, कुरान और हदीस से नहीं निकल रहा, ये बता ही नहीं सकते। हर चीज का जो है ना हल कुरान, सोल्यूशन कुरान हदीस से निकलता। तो ये जब कुरान हदीस से उसका हल निकल रहा है, गाइड हर चीज, हर मसले का, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन कुरान हदीस से निकल रहा है, तो अभी इसका मतलब कोई दूसरे पैगंबर की जरूरत नहीं है। जब पैगंबर दूसरा आने की जरूरत कब रहती है, जब कोई तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह पे तुम बॉटल नेक में आ गए या अड़ गए कि इसके आगे आप जा नहीं सकते और यह प्रॉब्लम आ गया तुमको और इसका मसले का हल नहीं है, तो फिर पैगंबर की जरूरत पड़ती। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए हमेशा जरूर लागू है, कयामत तक उसमें से हल निकलेंगे, तो दूसरे पैगंबर की जरूरत नहीं है। यह भी कुरान का एक मौजजा है कि कुरान हर जमाने के लिए है। कुरान का जो चैलेंज है कि एक मौजजा भी है कि कुरान ने चैलेंज किया है गैर मुस्लिमों से कि तुम अगर ये समझते हैं कि कुरान जो है किसी इंसान ने लिख दिया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से बना के पेश कर दिए, तो तुम जो है ना इसकी जैसे एक आयत बना के लेके आओ, एक सूरत बना के लेके आओ, एक चैप्टर बना के लेके आओ। ये कुरान ने क्लेम किया था वो अरबों के पास, जिन जो बहुत ज्यादा शेर शायरी और जबान और अरबी जबान जानने वाले थे, उनको चैलेंज किया था। और उनके जमाने में अरब लोगों ने बहुत कोशिश किए थे कि कुरान के जैसे कुरान के एक आयत बनाए, मगर वो सक्सेस नहीं हुए, जो अरबी लोग जिनकी जबान, जिनका ग्रामर वो था। मगर ये कुरान का दावा है, इसलिए है कि कुरान ने ये कहा है, अभी भी सब ये चैलेंज क्यामत तक के लिए है कि तुम एक आयत बना के लेके आओ, कुरान के जैसे एक आयत बना के लेके आओ, ये चैलेंज है। और ये चैलेंज जो है कुरान ने किया है। मैं और इसमें आगे बात बताता हूँ कि ये चैलेंज ऐसा है, इसके अंदर भी एक लॉजिक पॉइंट है कि वो अभी कैसा हो, मतलब कुछ क्राइटेरिया क्या है कि कुरान के जैसी बना के लाओ का मतलब क्या है, एक आयत, एक 10 आयतें या एक चैप्टर छोटा सा वो बना के लेके आओ, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया मैं बताता हूँ कि वो ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि अरबी में हो। चलो मैं और सहूलत देता हूँ, कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि तुम कोई दूसरी जबान बनाओ बोल के, मगर मैं अपनी तरफ से एक लॉजिकली आपको बताता हूँ, मैंने खुद निकाला ढूंढ के ये, कि कुरान के जैसे एक आयत जो है ना, आप कोई भी जबान बना के लेगा, जो आपकी मदर टंग है, जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी जबान आप जानते हैं, जो आसानी से कर सकते, उस जबान में आप एक आयत बना के लेके आओ। ये चैलेंज है कुरान का, नहीं ला सकते अरबी में, नहीं खाली अरबी में बना के लेके आओगे तो अब आजकल के लोग बहुत सारे जो गैर मुस्लिम है, 99% वो, उनको अरबी नहीं आती या इतने अच्छा ग्रामर नहीं है, तो वो तो आजिज है, वो बोलते हम कहाँ से अरबी बना के लेके आएंगे। ठीक है, तुम तुम्हारी जबान में बना के लेके आओ, ये चैलेंज है। मेरे पास उसका लॉजिकल जवाब है। कुरान शरीफ का जो चैलेंज है वो ये है, आजकल देखो एक और एक चीज है कि कुछ एक्स मुस्लिम जो है, जो मुसलमानों में जो काफिर हो गए, उन्होंने एक सूरा बनाया है, सूरा करोना बोल के, वो सूरा मैंने सुना भी, और वो उसके ऊपर बीबीसी के ऊपर भी, बीबीसी लंदन के ऊपर भी एक अरबी, बीबीसी अरबी में उसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी आया था कि सूरा करोना के ऊपर ट्यूनिशिया में बहुत ज्यादा हंगामे हुए, ये हुए थे हुए, और वो इसलिए हुए कि वो लोगों को नहीं मालूम, जो अरबी लोग हैं वहाँ के, ट्यूनिशिया के उधर के, कि वो देख के हैरान हो गए कि देखो उन्होंने तो आयत, एक छोटा सा सूरा बना दिया, खाली एक आयत नहीं, कुरान का तो चैलेंज एक आयत का था, उन्होंने तकरीबन 7-8 आयतों का एक छोटा सा सूरा बनाया, सूरा करोना बोल के, और सुनने में बहुत खूबसूरत है वो, मैंने सुना अरबी में,
ओ, मैं तो हर चीज की स्टडी करता हूँ, इस्लाम की भी, गैर इस्लाम की भी, इस्लाम के खिलाफ भी, और दुश्मनों की भी, सबकी सुनता हूँ मैं। तो मैंने वो सूरा सुना, मैं बहुत उससे लुत्फ अंदोज हुआ, बहुत मजा आया मेरे को सूरा सुन के। छोटा सा सूरा है, सूरा करोना बोल के। और काफिर ये समझ रहे, वो जो एक्स मुस्लिम, कि हमने जो है कुरान का चैलेंज पूरा कर दिया। वो बड़े खुश हो रहे, बहुत वो चीयर कर रहे वो लोग कि हमने सूरा बना दिया। मगर कुरान का जो क्राइटेरिया है, उस जैसी बनाओ उस पे पूरा नहीं उतरा। वो मेरे पास लॉजिक है, मैं बताऊंगा। वो सूरा सुनने के बाद जब मैंने सुना, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में बात डाला कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। मैं भी जब सूरा शुरू में सुना, तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि इन्होंने वाकई कुरान के जैसा बनाया। बिल्कुल अरबी के जैसे जो सूरे हैं, जैसे छोटे, बिल्कुल वैसे ही है वो। मगर उसके अंदर जो है ना, वो कुरान का क्राइटेरिया नहीं है कि कुरान जैसा बनाओ। वो आपको मैं बताऊंगा बाद में, अभी हमारा जिक्र वो नहीं चल रहा। तो कुरान का ये जो ये चल रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, मैं ये बताऊंगा बाद में। आप ये ध्यान में रखना कि ये जो सूरह करोना जो है, वो कुरान का जो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा, और कुरान का चैलेंज वो खत्म नहीं हुआ, वो बताऊंगा इंशाल्लाह। अपनी बात जो चल रही थी वो ये कि हुजूर सल्लम आखिरी नबी है। तो आखिरी नबी होने के लिए जो क्राइटेरिया हुआ, ये है कि उसकी जो गाइडेंस है वो खत्म हो गई होनी चाहिए, उसकी गाइडेंस खत्म होना चाहिए। अब जो लोग ये दाव, अच्छा तीसरी बात कि हर नबी जब भी आए, 1,40,000 जो पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, तो हर नबी के साथ वो एक मौजजा रहता था, एक मिराकल रहता था। बगैर मिराकल, बगैर मौजजे के नबी नहीं रहते थे। जब भी कोई नबी आता था, तो लोग उससे मिराकल पूछते थे और वो मिराकल बताते थे, और वो मिराकल जो है वो नबी के जिंदगी तक रहता था। पहले के जो नबी है, हुजूर आखिरी नबी है, हमेशा के लिए नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और हमेशा के लिए नबी है, कयामत तक के लिए नबी है। और बाकी के जो पैगंबर थे हुजूर के पहले के, वो हमेशा के लिए नहीं थे, वो अपने अपने दौर के लिए, अपने अपने इलाके के लिए, अपने कौम के लिए नबी थे। तो उनका मिराकल जो था, वो भी अपनी दौर, अपनी जिंदगी तक था। जब तक नबी जिंदा थे, उनका मिराकल भी जिंदा था। जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास मिराकल थे, वो अपना खाप सब अंदर डाल के जब निकालते थे यूं, तो बिल्कुल रोशनी की जैसे चमकता था, जैसा कि एलईडी का बल्ब ऐसा चमकता था। दूसरा मौजूद ये था कि उनके पास एक छड़ी थी, जिसको आसा बोलते, एक छड़ी थी, डंडा था जिसे वो टेकते थे। वो डंडा जब जमीन पे फेंकते थे, वो सांप बन जाता था, अजदहा, बहुत बड़ा सांप बन के वो घूमता था। ये और भी उनके पास मौजूद थे, मगर ये मौजूदे जो है उनकी जिंदगी तक थे, जब तक मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी बहुत से मौजूदात थे, वो मुर्दों को भी जिंदा करते थे, बीमारों को भी अच्छा करते थे, अंधों को भी अच्छा करते थे। उनके पास मौजूदे थे, सबने देखे, हजारों जो लोग थे उनके अतराफ यरूशलेम में, सबने देखे। बाकी जितने भी पैगंबर थे, सबके साथ मौजूदे थे। और जब भी कोई पैगंबर आता था इंसानों में, तो लोग उनसे डिमांड करते थे कि तुम पैगंबर है, प्रूफ क्या है, मौजूदा पेश करो। तो वो मौजूदा पेश करते थे। आजकल के भी जो नए, आज जदी जमाने में बहुत सारे लोगों ने दावा किए कि हम पैगंबर है। बहुत सारे लोग तो इस बुनियाद पे दावा करते कि उनको मालूम है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगंबर आए, आखिरी नबी आए, तो अरब के लोगों ने, कुरैश के लोगों ने उनसे भी डिमांड किए कि आप भी कोई मौजजा पेश करो। तो कुरान में साफ अल्लाह ने बता दिया कि हम कोई मौजजा तुम्हारे लिए पेश नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई मौजजा पेश नहीं किया। जो मौजजे हमको दिखाते, वो मौजजे हैं जरूर, मगर ऐसा कोई मौजजा मुर्दों को जिंदा करने का, या जो डिमांड किए थे काफिरों ने कि आसमान पे से किताब नाजिल है, या हम आसमान पे जाके अल्लाह को देख लेंगे, या जो भी जो डिमांड किए थे मुशरिकीन अरब ने, वो अल्लाह ताला ने पूरे नहीं किया और साफ इनकार कर दिया। तो ये इस बात को बुनियाद बनाकर आजकल के जो लोग, मॉडर्न जमाने के जो लोग हैं, वो खास मुसलमानों के साथ हंसी मजाक और जोक करने के लिए अपने आप को पैगंबर का दावा करते, और ये बोलते कि हम पैगंबर है। वो ये सोच के बोलते कि अब मुसलमान पूछेंगे कि तुम पैगंबर है, तो अपना कोई मौजजा पेश करो, कोई प्रूफ पेश करो। उनको मालूम है कि हम जब आप दावा करेंगे हम पैगंबर है, तो मुसलमान जरूर पूछेंगे कि तुम पैगंबर है, तो कोई मौजजा पेश करो। फिर हम जवाब क्या देंगे? हम वही जवाब देंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे, कुरान में जो लिखा हुआ है कि हम कोई मौजजा नहीं पेश करते। तो मुसलमान लाजवाब हो जाएंगे कि तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा जवाब दिए, तो वो जो हम देंगे मुसलमानों को, तो मुसलमान लाजवाब हो जाएंगे और हमको पैगंबर कबूल कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मौजजा है। ये लोग जितने भी हैं आजकल के जदी मॉडर्न, उनको मालूम नहीं है उनको, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मौजजा है, वो ऐसा मौजजा है जो हुजूर की जिंदगी तक महदूद नहीं है।
बल्कि हुजूर के इंतकाल के बाद भी क़यामत तक के लिए जिंदा है, कि तो हुजूर खुद क़यामत तक के लिए पैगंबर है। हुजूर आखिरी नबी है और उसके बाद वो पूरे इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क़यामत के आखिरी दुनिया के आखिरी दिन तक के लिए नबी है। इसलिए उनका मौजूदा भी आखिरी दिन तक के लिए है, और वो मौजूदा है कुरान। और कुरान कैसा मौजूदा है? कुरान ऐसा मौजूदा है, तो अल्लाह ने कुरान उसके बारे में भी कहा है कि ये मौजूदा है। कुरान ऐसा मौजूदा है कि इसमें से, मैं जैसा पहले बताया कि मुसलमानों के लिए या इंसानों के लिए जो भी मसले मसाइल है उसका हल कुरान शरीफ की आयतों से निकलता है, हदीसों में से निकलता है। और कोई भी मसला क़यामत तक के ऐसा नहीं होगा, ये आपको अगर ये बात नहीं लग रही, गलत लग रही, तो आप सब लोग मिलके ये चैलेंज करो, कोई ऐसा प्रॉब्लम बताओ कि जो कुरान हदीस से नहीं निकलता। आज सब मिलके आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में, कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके कोई ऐसा प्रॉब्लम बताओ कि जिसका हल इस्लाम से नहीं निकलता। बताओ, आज बताओ, या टाइम क़यामत तक के लिए है आप लोगों के लिए, टाइम क़यामत तक के लिए है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम बताओ कि जिसका सोल्यूशन हम कुरान और हदीस से नहीं निकाल सकते, आपके लिए टाइम क़यामत तक के लिए। तो ये कुरान का मौजजा है कि कुरान से हमारे लिए जो हिदायत है, हमारे लिए जो गाइडेंस है, हमारे लिए जो सोल्यूशन है, वो क़यामत तक के निकलते रहेंगे। और कुरान के दूसरे मौजजा, सबसे बड़ा और मौजजा क्या है, मैंने खुद अरबी जानता हूँ, मैं अरब मुल्कों में रहने की वजह से और वहाँ के लोगों से बातचीत करने की वजह से अरबी मेरी ऐसी है कि मैं अरबी समझ सकता हूँ, कुरान शरीफ को समझ सकता हूँ, अरबी जबान समझ सकता हूँ। तो कुरान मैंने खुद अपने बगैर तर्जुमे के उर्दू की जैसी पढ़ी हुई है। तो मैंने खुद, बाकी लोगों ने तो और भी निकाले हैं, दुनिया के मुसलमानों ने बहुत सारे मौजज़े निकाले, मैंने खुद 50 से ज़्यादा ऐसी बातें निकाली हुई है मिराकल कुरान में से। वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कुरान में से ऐसी ऐसी मिराकल और ऐसी ऐसी साइंसी बातें निकली हुई है कि जो आज साबित हो रही है, आज जो जदीद मॉडर्न दौर है वो उसमें आज साबित हो रही है कि ये कुरान के अंदर पहले से लिखी हुई है, साइंटिफिक बातें हैं। और उसके अलावा बहुत सारी मिराकल, ये है पेशन गोई है, जो प्रोफेसीज उसको बोलते हैं, जो ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब सब कुरान में से सही सही साबित हो रही है। उसके हवाले रेफरेंस दूंगा मैं, मेरे पास ये मैंने किताब में लिख के रखी हुई है, ये आप ही के लिए है, इसके अंदर मैंने रखी हुई है, इसमें से आपको मैंने ये हाथ से खुद लिखा है मैंने अपनी 40 साल की मेहनत से, तो इसमें से आपको निकाल के दूंगा मैं इंशाल्लाह कि क्या क्या मौजज़े हैं वो 50 से ज़्यादा। तो कुरान ये ऐसा मौजज़ा है जो हम क़यामत तक के लिए, हुजूर आखिरी नबी है। और आखिरी नबी का मतलब ये नहीं कि बस अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने गाइडेंस भेजना बंद कर दिया, या इंसानों का सपोर्ट करना छोड़ दिया, या अल्लाह की जो रहमत है, जो गाइडेंस है, वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि हुजूर सल्लम जो है एकदम उरूज पे पहुंचे, जो सिलसिला चल रहा था नबूवत का, जो नबी भेजते जाते थे, लोग उनको उनकी हिदायत को भूल जाते थे, करप्ट करते जाते थे, फिर दूसरा भेजते थे, फिर उनकी हिदायत करप्ट हो जाती थी, मगर हुजूर का एजाज ये है कि उनकी हिदायत करप्ट नहीं हुई, ना करप्ट हो सकती है क़यामत तक, वो कायम रहती है हमेशा। ये हुजूर की बुजुर्गी है, बड़ाई है, और उन्होंने जो है ना वो नबूवत के जो प्रोफेशन को तकमील तक पहुँचा दिया, कामिल कर दिया, उसको जो है ना मुकम्मल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत को मुकम्मल करने वाले हैं, जो प्रॉफेटहुड है उसको मुकम्मल किया उन्होंने, उसको कंप्लीट कर दिया। जैसा कोई कोई एक बच्चा है तालिब इल्म है, पहली में, नर्सरी में, दूसरी में, तीसरी में पढ़ रहा है, मगर कोई ऐसा है जो यूनिवर्सिटी का जो आखिरी जो वहां पर फैकल्टी रहती है, जैसा कि डॉक्टरेट, किसी फील्ड में डॉक्टरेट किया, वो आखिरी होती है, किसी यूनिवर्सिटी का आखिरी डिग्री होती है, वो वहां पहुंच गए हुजूर सल्लल्लाहु। और जब कोई आदमी किसी यूनिवर्सिटी के आखिरी डिग्री तक पहुंच जाता है तो उसकी तालीम खत्म हो जाती है। इसका मतलब वो नहीं कि वो जाहिल हो गया, या वो बिल्कुल उसकी कुछ नहीं रहा, बल्कि वो सबसे कामिल हो जाता है, सबसे टॉप पे हो जाता है। वैसा हुजूर सल्लम सबके टॉप पे रहे, और वहाँ उन्होंने नबूवत को तकमील किया, और उनकी जो नबूवत है और उनकी जो किताब है, उनकी हिदायत है, वो हमेशा के लिए जारी है, और उनका मुजजा भी हमेशा के लिए जारी है। तो अब अगर समझो कोई नबूवत का दावेदार, अगर ये दावे करता कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, तो वो ये समझ के करता कि हम मुसलमानों को हरा देंगे, हम बोलेंगे कि हुजूर ने भी कोई न मिराकल नहीं पेश किया, इसलिए हम भी नहीं कर रहे, तो आजिज़ हो। वैसा नहीं है, हुजूर के साथ भी मिराकल है, वो कुरान है, और जो क़यामत तक के लिए जिंदा है उसमें से हमेशा हिदायत निकल रही, साइंटिफिक बातें निकल रही, ऐसे ऐसे साइंटिफिक बातें निकल रही कि आजकल जदीद साइंस तक हैरान है। मैं आपको बताऊंगा मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें बता के। अच्छा, बहुत सारे अभी अभी जो है ना, ये बात लागू है, जब भी कोई नबी आएगा उसके साथ मिराकल होना है, ये प्रिंसिपल है, और ये बिल्कुल अभी भी ऑथेंटिक है, लागू है। अभी अगर कोई नबूवत का दावा करता है अभी, तो हम उससे पूछ सकते कि तुम जो है ना मिराकल पेश करो,
और अगर समझो वो आदमी कोई मिराकल पेश कर देता है आज के जमाने में, तो दो बातें हो सकती। अगर कोई आदमी ने दावा किया कि मैं नबी और रसूल हूं, और लोगों ने उसको डिमांड किया कि तो नबी के साथ मिराकल होना जरूरी है, ये अल्लाह ताला का तरीका है कि जब भी अल्लाह ने नबी भेजा उसके साथ मिराकल 100% भेजा, बगैर मिराकल के किसी नबी को भेजा ही नहीं। तो अब अगर कोई नबी का नबुवत का दावा करता है तो उसको लिए उसके पास मिराकल होना जरूरी है। अगर कोई अभी आज के जमाने में नबुवत का दावा करता है तो उसके पास मिराकल होना है। अगर हम पूछे तो वहां पर मिराकल क्या है, और वो कोई बता दे मेरा मिराकल ये है, तो आज के जमाने में साइंस है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, उससे हम वो जान सकते। हमारे पास ऐसे ऐसे डिवाइसेस है साइंटिफिक, उससे हम चेक कर सकते कि उसका मिराकल सही है कि नहीं है, गलत है क्या, मौजजा। अगर आज की साइंस के हिसाब से उसका मिराकल गलत साबित होता है तो उसका मतलब वो नबी नहीं है, एक बात हुई, लॉजिकल बता रहा हूं मैं। दूसरी बात ये, अगर फर्ज करो किसी ने दावा किया आज के जमाने में कि मैं नबी हूं, और उसने मिराकल भी पेश किया, और आज की साइंस से हमने चेक किया डिवाइसेस से, पता चला कि उसका मिराकल सही है, उसका मिराकल सही है, इसका मतलब वो नबी है, तो आज के जमाने में ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तो अल्लाह ताला का जो कानून है, जैसा बताया मैंने कि शैतान को जो अल्लाह ताला ने फ्री एंड फेयर मौका दिया कि उसका ऐसी कोई बात नहीं रखा कि जो इंसान जो है किसी चीज पे राग हो, अगर आज के जमाने में किसी नबी के साथ कोई मिराकल आता है और वो सही होता है तो वो शैतान के लिए एक चांस है बोलने का, या गैर मुस्लिमों को जो इस्लाम को नहीं मानते उनके लिए चांस है कि देखो ये मिराकल था उसकी वजह से आया। तो अल्लाह ताला ये कानून को कभी वायलेट नहीं करता, इसलिए आज के जमाने में मिराकल नहीं है। पहले जमाने में आप पूछेंगे फिर पहले जमाने में ये क्यों मिराकल हुआ कि लोग नबियों के साथ मिराकल थे, वो जब वो कानून वायलेट नहीं हुआ क्या अल्लाह का? इसका वजह यह है कि आज के जमाने में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हम वो साइंस से और टेक्नोलॉजी से वो मिराकल की हकीकत को मालूम कर सकते कि ये सच बोल रहा है या झूठ है, ये मिराकल सच है या कोई इल्यूजन है, जादू है, या क्या बोलेंगे इसको, हिप्नोटिज्म से उसने कुछ किया है, ये साइंस से आज के मालूम कर सकते, हमारे पास डिवाइसेस है। मगर पहले जमाने में ऐसा कोई डिवाइस नहीं था, पहले जमाने में जो नबी थे उन्होंने जो मिराकल पेश किए तो उसके बारे में किसी किस्म का कोई डिवाइस नहीं था, वो सिर्फ लोगों को देखने पे था, और वो उनके जमाने तक जब वो पैगंबर का इंतकाल हो जाता था वो मिराकल भी खत्म हो जाता था, तो उस टाइम पे उसके अंदर कोई जगह रहती थी स्पेकुलेशन के लिए, लोगों के अंदर शक पैदा हो सकता था। आज भी है, हमारे जितने भी जो आसमानी मजहब के जितने भी प्रॉफेट है, जितने भी पैगंबर है, सबके मिराकल के बारे में लोगों के दिल में अभी भी शक मौजूद है, सच है क्या नहीं है। क्रिश्चियनों के दिल में भी है, यहूदियों के दिल में भी है, दूसरे गैर मुस्लिमों के दिल में भी शकुक मौजूद है कि इन्होंने जो मिराकल पेश किए वो सही थे कि नहीं थे, सही थे कि, तो उनका कोई प्रूफ या उसको उसको ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था पहले जमाने में, इसलिए वो उसके अंदर स्पेकुलेशन के लिए चांस था, ओपन टू स्पेकुलेशन थे वो तो। मगर आज के जमाने में वैसा नहीं है, आज के जमाने में किसी ने कोई नबूवत का दावा किया तो उसके हमारे पास साइंस है, हम साइंस से चेक करके बता सकते कि ये सच है क्या गलत है। अगर गलत है तो वो तो नबी 100% रिजेक्ट है, और अगर वो उसका मिराकल सच साबित हो गया, साइंस से हमने चेक करे, उसने कोई मौजजा दिखाया और वो सही हो गया, तो ये जो है अल्लाह के जो कानून है उसको वायलेट कर सकता। और दूसरी बात ये कि आज के जमाने में उसको कोई कोई चांस नहीं रहता हमारे पास बोलने का कि स्पेकुलेशन के लिए खुला, ओपन टू स्पेकुलेशन है, इसलिए अल्लाह ताला अपने कानून को वायलेट नहीं करता, और इसलिए जो है तो वो शैतान के लिए कोई चांस नहीं है बोलने का कि तू गैर जानिबदारी कर रहा है। पहले जमाने में जितने भी पैगंबर आए उनके साथ जो मौजजे आए उसके बारे में शैतान नहीं बोल सकता कि, तो उस जमाने के लोगों के दिल में तक शक थे, उस जमाने में जो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने जो मौजजे दिखाए, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जो भी मौजजे दिखाए, उस जमाने में जो मौजजे देखने वाले थे वो खुद बोलते थे कि ये जादू है, और उनके दिल में शक था कि और वो सही नहीं था उस जमाने में खुद, तो उसके इसलिए वो कानून वायलेट नहीं हुआ। और इस्लाम जो है, और आज के जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजजा है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और उनका जो मौजजा है तो वो कुरान है, और कुरान से कुरान कयामत तक के लिए मौजजा है, और आज की साइंस और हमारे इक्विपमेंट वो सारे चेक करके बता रहे हैं कि कुरान जो है सच है, उसके अंदर जो मौजजे है सच है, जो जो चीज़ें साइंटिफिक बातें निकल रही है वो सब सच है। इंशाल्लाह अपने अगले चैप्टरों में इसका जिक्र आएगा कि वो किस तरीके से वो क्या क्या है, मैंने जो प्रूफ निकाले कुरान की हकानियत के, कुरान के जो है तो सच होने के, कुरान के जो मिराकल है उसके जो प्रूफ मैं निकाले वो भी इसका बता दूंगा। अल्लाह ताला ये पॉइंट पे अभी हम यहाँ पहुंचे हुए कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए
पैगंबर भेजे, अपने प्रॉफिट भेजे, प्रॉफिट बहुत सारे प्रॉफिट आए, उन्होंने जो है तो आप लोगों को गाइड किया, बहुत सारे मजहब बन गए। जो प्रॉफिट आए जब भी आए वो मजहब बने, उसके अलावा लोगों ने उनकी बातें भूल गए और अलग 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 मजहब बन गए, उनकी किताबें गाइडेंस जब भूल गए, जब तक उनकी गाइडेंस उनकी हिदायत सही जगह पे कायम रही वो मुसलमान थे। हर पैगंबर का आदम अलैहि सलाम से लेके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए 1,40,000 सबका मजहब इस्लाम था। इस्लाम जो है शुरू से मजहब, इस्लाम सबसे पुराना है, सबका पहला है। ऐसा नहीं कि इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, ऐसा नहीं है। इस्लाम शुरू का पहला का अल्लाह का सबसे पहला जो मजहब दुनिया में इंसान के लिए भेजा वो इस्लाम ही है। तो जितने भी पैगंबर आए जितने भी मजहब आए वो सब इस्लाम थे, मगर जैसा जैसा जब तक वो लोग उनकी हिदायत पर कायम रहे, वो पैगंबरों की बातों पे अमल करते रहे, उनकी हिदायत पूरी मानते रहे, वो दीन कायम रहा। मगर जैसे जैसे वो भूलते चले गए और उसके अंदर नई नई बातें मिलावट हो गई, उसके अंदर करप्शन कर दिया उन्होंने मजहब की बातों में, तो वो अलग मजहब बन गए, अलग 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 मजहब बन गए, बहुत सारे मजहब बन गए। तो उसके बाद जो है अम्बिया का जो मैंने बता दिया कि अम्बिया जो आए तो उसके ऊपर लोगों ने इतराज़ किया कि वो इंसान है। अच्छा, उसके अलावा और भी बताया मैंने कि अल्लाह ताला इंसान को जो है आज़ादी देता है, अल्लाह ताला इंसान को सोचने की, दिमाग की, अकल की आज़ादी देता है कि तुम अकल से दिमाग से सोच के इस्लाम कबूल करो, जो भी मजहब अल्लाह की तरफ से है उसकी तहकीक करो, दुनिया में देखो कौन सा मजहब है जो दावा करता है कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ, पूरे जितने मजहब है सब में चेक करो, सब में देखो कि कौन सा मजहब ये दावा करता कि मैं अल्लाह की तरफ से हूँ और मैं अल्लाह की तरफ की हिदायत हूँ। तो आपको पता चलेगा कि आसमानी मजहब है, तीन मजहब है वो दावा करते, वो तीन मजहब के अंदर फिर चेक करो कि वो कौन कौन से मजहब के अंदर वो उसकी जो हिदायत है वो अपनी सही हालत में मौजूद है, जिसके अंदर कोई करप्शन मिलावट नहीं हुआ। तो आपको पता चलेगा यहूदियों की किताबों में भी मिलावट है, यहूदी खुद कबूल रहे उनकी किताबों में लिखा हुआ है, क्रिश्चियनों की किताबों में भी मिलावट है, वो खुद कबूल रहे कि किताबें हमारी गुम गई और हमने दिल से लिखी हुई है या किसने लिखा मालूम नहीं। सिर्फ एक मजहब बचता आसमानी मजहब, तीन मजहबों में से इस्लाम, जो ये दावा करता है कि हमारे पास इस्लाम अल्लाह ताला की डायरेक्ट रहनुमाई हिदायत मौजूद है। और जब इस्लाम के हम मुताला करते स्टडी करते तो पता चलता है कि इस्लाम के पास जो अल्लाह की हिदायत है वो जैसी की वैसी मौजूद है, गैर मुस्लिम तक उसके जो है तो गवाह है, उसके खायल है, वो तक उसके विटनेस है कि ये इनका कुरान और इनकी हदीसें बिल्कुल ऑथेंटिक मौजूद है। जब इस्लाम की ये बात सही साबित होती तो हमको फिर इस्लाम के ऊपर मानना पड़ता। तो ये बात अल्लाह ताला ने खास रखी है, खास तौर से कि इंसान के लिए एक खुला दिमाग रख के, अपनी चीजों को देख के, कायनात को देख के, अपने जिस्म को देख के, खाने पीने की चीजों को देख के, अपने अतराफ को देख के, अपने मेडिकल को देख के, अपने अज़ा को, अपने ऑर्गन्स को, अपने कीड़े मकोड़ों को, सबको देख के ये अंदाजा करे कि अल्लाह ताला बनाने वाला है और उसकी सही गाइडेंस को अपनाए। और इंसान के लिए अल्लाह ने एक खुला जहन रखा है और अल्लाह ने इंसान के लिए आज़ादी दिया है, आज़ादी के साथ तुम सोचो और उसके ऊपर अमल करो। इसके बारे में अल्लाह ताला ने लिखा है कि जो जिस जिसका जो है ना, जो अल्लाह को नहीं मानता और जो सब देखने के बावजूद भी अल्लाह को नहीं मानता, वो असल में उसके साथ शैतान रहता, शैतान उसका जो है तो लीडर रहता जो जो नहीं मानता। उसके बारे में है कुरान शरीफ में बहुत सी जगह लिखा हुआ है, सूरह जुखरुफ में भी है, सूरह सिजदा में भी है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसके बाद में आएगा जिक्र। अच्छा, उसके बाद मैंने फरिश्तों का जिक्र किया कि फरिश्ते अल्लाह ने बनाए, फरिश्ते कौन कौन है, फरिश्ते जो अल्लाह ने बनाए अपने काम के लिए नूर से बने, उसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, इनका काम ये था पहले से कि अल्लाह की जो गाइडेंस है, हिदायत है, वो अपने प्रॉफिट तक लाते थे। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, हजरत अजाजील है, और ऐसे बड़े बड़े फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ किस्म काम करते, हर इंसान के साथ फरिश्ते लगे हुए हैं जो हिसाब किताब लिखते रहते, कुछ उसकी हिफाजत के लिए है फरिश्ते, और फरिश्ते कायनात में घूमते रहते हर जगह, अल्लाह ताला उनको भेजते रहता और उनसे काम लेते रहता। और जो है तो जिनों का जिक्र है कि जिन जो है तो कैसा बीमार करते लोगों को और कैसा फिर उनसे तावीज़ के जरिए से, किसी बाबा के जरिए से अच्छा कराते, ये भी शैतान के बहकाने का ये काम है। अच्छा, अल्लाह ताला हमको जो है, अल्लाह ताला का गायब होना भी एक टेस्ट है, अल्लाह ताला जो गायब है, जो नजर नहीं आता, वो भी हमारे लिए टेस्ट है। असल में मैं जैसा वैसे बताया था आपको कि अल्लाह के हर काम में दो तीन काम रहते, एक तीर से कई शिकार करता। अब अल्लाह जब गायब है तो उसके अंदर भी दो तीन बातें हैं, एक बात यह है कि वो हमारा टेस्ट, हमारा इम्तिहान होता, अल्लाह ताला अगर नजर आता तो हमारा क्या इम्तिहान था, हम तो देख के उस पर ईमान ला लेते थे, शैतान हो या कोई भी हो बहकाता था हम बिल्कुल नहीं बहकते थे, हम तो ये सीधा है, जैसे हम लोग आसमान पे सूरज को देखते, सूरज को देखने के बाद तारों को नहीं देखते, तारे नजर भी नहीं आते, हम बोलते ये सूरज है, ये हमको नजर आ रहा है, ये कोई भी अगर दूसरा आदमी बोलेगा नहीं सूरज इधर है, नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे सूरज इधर ही है, ये नजर आ रहा है, धूप है हमारे सिर पर, धूप पड़ रही, ये सूरज है, कोई दूसरा आदमी बोलेगा कि सूरज इधर है हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। वैसा जब अल्लाह नजर आता तो हम फिर अल्लाह को ही मानते, दूसरे क्यों नहीं मानते। तो अल्लाह ताला का गायब होना भी हमारा टेस्ट है,
अल्लाह ताला नजर नहीं आ रहा। अच्छा दूसरा टेस्ट, इस दूसरी बात क्या है अल्लाह के गायब होने में? शैतान को फ्री और फेयर मौका देना। अरे अल्लाह ताला नजर आता तो शैतान को फ्री और फेयर मौका नहीं मिलता था, ये भी एक उसके अंदर है। और भी क्या बातें हैं वो अल्लाह को ही मालूम है, मतलब अल्लाह का गायब होना भी हमारे लिए जो है तो एक इम्तिहान है। अच्छा हर अच्छाई और हर बुराई वो भी हमारे लिए एक इम्तिहान है। जो कोई अच्छा काम हमारे साथ होता, जो अच्छाई हमारे साथ होती, भलाई होती, उसमें भी हमारा इम्तिहान है। जो बुरा हमारे साथ होता, जो बुराई हमारे साथ होती, उसमें भी हमारा इम्तिहान है। हर चीज में हमारा इम्तिहान अल्लाह रखा है, हर चीज में इसके कई 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 फायदे और एक एक तीर से कई शिकार है, इस जैसी बात है। अल्लाह ताला मल्टीटास्किंग करता है और हर चीज में उसके कई कई राज, कई कई ये है। इंशाल्लाह इसके आगे जो है आगे चैप्टरों में मुख्तलिफ मजाहब का जिक्र होगा। दुनिया में कितने मजहब है, कौन कौन से मजहब आए, ये तो अभी अंबिया का, नबियों का जिक्र मैंने कर दिया कि पैगंबर कितने आए, कैसे आए, क्या क्या आए उन्होंने किए। आखिरी नबी हमारे आखिरी पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि, तो हुजूर के बाद किसी किस्म के पैगंबर की जरूरत नहीं है। अभी हुजूर के बाद पैगंबर की जरूरत कब होगी? क्योंकि अल्लाह ताला कोई काम गैर जरूरी तौर पे नहीं करता कि अल्लाह ताला ने ये काम कर दिया। जैसे आज अगर कोई पैगंबर का दावा किया कि मैं पैगंबर हूँ, अगर फर्ज करो सही पैगंबर है, मान लिया कि आज किसी ने दावा किया कि मैं प्रॉफिट हूँ, अगर वो सही है, अल्लाह तरफ से सच्ची भेजा हुआ है, तो इसका मतलब है वो बेकार है। क्यों मालूम? क्या आज पैगंबर की कोई जरूरत नहीं है? पैगंबर की जब जरूरत होगी तो अल्लाह भेजेगा। आज आज पैगंबर की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों के पास कुरान हदीस मौजूद है और कुरान हदीस से हिदायत और गाइडेंस कयामत तक के रास्ते निकल रही है, चालू है निकलना, और कुरान हदीस करप्ट भी नहीं हुआ, तो फिर पैगंबर की क्या जरूरत है? और अगर अगर पैगंबर अगर सच्ची भी है, सच्ची कोई अगर सही भी कोई पैगंबर है, इसका मतलब अल्लाह ने कोई गैर जरूरी काम किया। अल्लाह गैर जरूरी काम करते ही नहीं है, ये तो अल्लाह ताला अगर गैर जरूरी काम कर रहा है, इसका मतलब कोई सोच समझ के काम नहीं कर रहा है, वो बस उठे छुटे काम कर दिया। अल्लाह ताला ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि तो उसके अंदर कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई निगेटिव बात नहीं है, सब पॉजिटिव उसके अंदर क्वालिटीज है। और गैर जरूरी काम करना, बगैर सोचे समझे काम करना, जो ऐसा काम करना जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो एक निगेटिव क्वालिटी है। और इसका मतलब अल्लाह ताला ने कोई अभी कोई पैगंबर भेजा नहीं है, अभी कोई मौजूद में कोई पैगंबर नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हुजूर के बाद कोई पैगंबर की जरूरत नहीं है। अगर कोई दावा करता तो गैर जरूरी है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि हुजूर आखिरी पैगंबर है और कितने पैगंबर आए। अब इसके आगे हम मुख्तलिफ मजाहब का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर में।